नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्बल एंड ग्रेनाइट ब्लॉक्स में। तो आए दोस्तों, आज हम बात करते हैं वॉल टाइल। जो वॉल टाइल होती है वो वाटरप्रूफ बॉडी होती है या नॉन वाटरप्रूफ बॉडी होती है, उसकी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। आइए देखते हैं, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। ये दोस्तों आपको जो वॉल टाइल दिख रही है, आप देख पा रहे हैं, इसमें मैं बता दूं आपको, एक तो वाटरप्रूफ बॉडी होती है और एक नॉन वाटरप्रूफ बॉडी होती है। वॉल टाइल लगभग आपको सेरेमिक की मिलेगी। कोई कहता है कि वॉल टाइल फुल बॉडी वेट्रीफाइड है तो वो झूठ बोलता है। कोई भी ब्रांडेड से ब्रांडेड कंपनी आप देखोगे तो वॉल टाइल आपको सेरेमिक बॉडी मिलेगी, लेकिन इसमें वाटरप्रूफ और नॉन वाटरप्रूफ बॉडी आती है। तो आइए इसकी जाँच करते हैं हम, यह कौन सी टाइल है, वाटरप्रूफ है या नॉन वाटरप्रूफ है, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो 12-18 साइज़ है, ये हमने इसका एक पीस लिया है। ये पीस देख पा रहे हैं आप, 12-18 साइज़ है, यानी कि 1 फुट बाई 1.5 फुट। और इसके जो पीछे की बॉडी है दोस्तों, ये बॉडी है इसके पीछे की, ये देखिए आप, ये वॉल टाइल के पीछे की बॉडी है, ये आपके मेड इन इंडिया है, भारत में बनी हुई, भारत में जो गुजरात स्टेट है वहाँ इन टाइलों का निर्माण होता है। वैसे तो टाइल आपके बंगाल और राजस्थान में भी कुछ जगह टाइल का काम शुरू हो गया है। बंगाल में ऑलरेडी बंगाल टाइल्स चलती है। और दोस्तों बहुत सी जगह हैं जो मतलब टाइल बनाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जो क्वालिटी का नाम है वो आपके मोरबी गुजरात की वॉल टाइल फेमस है, क्योंकि वो फुल क्वालिटी मटेरियल है। अब दोस्तों बताएंगे आपको कि ये वाटरप्रूफ है या नॉन वाटरप्रूफ है, तो आइए देखते हैं। मैं थोड़ा सा पानी ले लूंगा। बने रहिए आप। यदि वीडियो आपने लास्ट तक देखा है तो कोई भी दुकानदार आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपको सच्चाई पता है, आप जानते हैं कि वाटरप्रूफ बॉडी क्या चीज़ है और नॉन वाटरप्रूफ बॉडी क्या चीज़ है। तो मैंने ये थोड़ा सा जल लिया है यहाँ पे, जो आप देख पा रहे हैं, ये जल मैं डालूँगा इसके यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जल मैंने डाल दिया, पूरा ये भरा हुआ पानी का मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो आप वेट करिएगा, ये पानी सूख रहा है, धीरे धीरे पानी सोख रही है टाइल, जो आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अब आप नोट कर रहे हैं, पानी धीरे 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 पूरा सोख गया है, पानी टाइल के अंदर चला गया सारा पानी, ये देखिए आप। तो अब दोस्तों आप देखेंगे इसका जो फ्रंट है, फ्रंट को सही करके देखोगे क्या पानी आगे तो नहीं आया है। यदि पीछे डाला हुआ पानी आपके फ्रंट पे ऐसे ऐसे उसका जो निशान है वो बन जाए, तो वो आपकी नॉन वाटरप्रूफ है, ये फुल वाटरप्रूफ बॉडी है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल भी कहीं भी पानी नहीं आया इस पर, 1% भी पानी का महसूस नहीं हो रहा है कि इधर पानी डाला है आपने, ये देखिए आप। एक परसेंट भी पानी नहीं आया है, नहीं आगे से गीला हुआ है, तो यह है आपकी वाटरप्रूफ बॉडी। पीछे आप कितना भी पानी डाल दो आगे पानी नहीं आएगा। दूसरी बात यह है, जो नॉन वाटरप्रूफ बॉडी होती है उसमें आप पीछे जल डालोगे तो पानी आगे आ जाएगा, जैसे पीछे आपने डाला तो ऐसे ऐसे बना था वो, तो वो आगे में भी आपके वैसे वैसे वो डिज़ाइन बन जाएगी। और जो नॉन वाटरप्रूफ बॉडी होती है उसमें सूखने के बाद वो ऐसे वाइट 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 हो जाता है, आपने देखी होगी पुरानी टाइलें देखी होगी घरों में, ऐसे वाइट वाइट हो जाता है, तो वो आपकी नॉन वाटरप्रूफ बॉडी है दोस्तों। तो आजकल दोस्तों कुछ कंपनियां हैं जिनकी नॉन वाटरप्रूफ बॉडी है, वो भी अच्छी क्वालिटी आती है, उसमें भी वाइट वाइट चकता नहीं बनता। और मैं आपको बता दूँ, एक 10-15 साइज आती है,
तो दोस्तों 10-15 साइज में वाटरप्रूफ बॉडी नहीं आती है, इस बात का ध्यान रखना आप। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।